सेंट्रल जेल भोपाल से भागे 8 आतंकवादियों के एनकाउंटर को लेकर हो रही सियासी बयानबाजी पर ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा ने राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया है। खासकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयानबाजी को अफसोसजनक बताया है। मीडिया से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर बिट्टा ने उन्हें भी चौकन्ना रहने की सलाह दी, साथ ही इस एनकाउंटर के लिए बधाई दी। गुरुवार को अपने भोपाल प्रवास के दौरान मीडिया से रूबरू हुए बिट्टा ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच केवल जेल ब्रेक की होनी चाहिए, पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर की नहीं। साथ ही उन्होंने एंटी टेररिज्म मिलिट्री कोर्ट की स्थापना की भी मांग उठाई, जिसमें 6 महीने में ही आतंकी को उम्र कैद या मौत की सजा सुनाने का प्रावधान हो। इससे आतंकवादी ना तो जेल तोड़कर भागे और न ही उनके एनकाउंटर की नौबत आए। ये आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद के मुद्दे पे ना कभी झुका हूँ और ना ही कभी झुकूंगा। ना मुझे सत्ता का लालच है, ना कुर्सी का लालच है। मौत मेरी दोस्त है, मेरे मुझे क्या इन चीजों को इंटरेस्ट ही नहीं मेरा कोई कुर्सी सत्ता से। कांग्रेसी और लीडर मेरे लिए पहले नहीं है, मेरे लिए मातृभूमि पहले है, बहनों के सुहागों की पंजाब की तरह रक्षा पहले है। पार्लियामेंट के शहीदों के उन परिवारों की रक्षा के लिए आगे आया हूँ। तो मेरा मुद्दा ही दूसरा है, उसमें मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी लीडरशिप बड़ी नहीं है, मातृभूमि बड़ी है। हमारी पार्टी सेकुलर थी, जब 7 साल की उम्र में कांग्रेस में आया था तो मुझे याद है वो नारे होते थे, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नीली निकर और व्हाइट शर्ट होती थी। कांग्रेस सेवा दल का वर्कर था 7 साल की उम्र में। अभी तक नारे हमारे हृदय में है, भारत एक धर्म अनेक। सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिग्विजय सिंह के कारण ही कांग्रेस हारी है। उसका सबसे बड़ा नारा था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद ही कांग्रेस को ले डूबा। ना सोनिया गांधी के कारण कांग्रेस हारी है, ना राहुल गांधी के कारण कांग्रेस हारी है, दिग्विजय सिंह के कारण ही हजारों करोड़ों कांग्रेसियों के फ्यूचर को, जिन्होंने सेवा करनी थी उनके फ्यूचर तबाह कर दिए और अभी तक हटने का नाम नहीं ले रहे। ये तो कांग्रेस की लीडरशिप ने सोचना है कि आगे आना है, सीटें कम आनी जाते तो उन्होंने सोचना है। हम माधवराव सिंधिया जी के साहबजादे के ऊपर क्यों नहीं कुछ कहते, हम कमलनाथ जी के ऊपर क्यों नहीं कहते, वो तो वर्कर हैं, वर्कर को प्यार करते हैं, उनके कोई असूल हैं। अब जब हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सबसे ज्यादा अगर आतंकवाद के ऊपर अगर हमें सपोर्ट किया गया तो कमलनाथ ने हमें उस वक्त सपोर्ट किया। हम उसके कभी खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर जो गलत है उसके खिलाफ बोलेंगे। हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, मुसलमानों हिंदुओं सिखों। हम तो कहते हैं अमन शांति होना चाहिए, देश सबका है, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।